कि एक शानदार सड़क बन जाएगी, इस शानदार सड़क के साथ साथ ये भी जगह शानदार हो जाएगी, तो दोनों काम आपके इस क्षेत्र के अंदर लोग देखने के लिए आएंगे। आदरणीय राजपाल जी, आज आपको मैं बहुत सारी बधाइयां देना चाहती हूँ। दो की बधाइयां हैं, एक तो आपका रोड जिसकी शुरुआत अपन आज कर रहे हैं, सायपुरा से जमवा रामगढ़ तक 16 किलोमीटर 4 लेन, जिसकी सड़क, जिसके शोल्डर सब बनेंगे। और मैं समझती हूँ कि यहाँ आपके यहाँ दुर्घटनाएं वगैरह होती रहती हैं, इस सड़क के बनने से ये प्रॉब्लम आप लोगों की सॉल्व हो जाएगी। और इसके बाद मैं बधाई देना चाहती हूँ उन मेधावी छात्रों को जिन्होंने आज महामहिम राज्यपाल महोदय जी के हाथ से चेक भी लिया, और जिन्होंने हमें बताया किसी के तो 97%, किसी के 95% मार्क्स, इतने जोरदार मार्क्स थे कि मुझे तो देख के खुशी हो गई कि हमारे ऐसे ऐसे मेधावी छात्र हैं। आज तो खाली 10 थे ना, 12 थे जो आपके सामने आए, परंतु मैं समझती हूँ कि ऐसे कितने सारे हैं जिन्होंने सक्सेस पाया है और आने वाले समय के अंदर और सक्सेसफुल होते रहे। उन सबको मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग सब यहाँ खड़े हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करने। मुझे मालूम है, मुझे याद है कि 14 अप्रैल जब आता था तो हम लोग सब जानते थे कि बाबा साहब के जयंती का ये कार्यक्रम होना है, होता है, कभी कहीं किसी गांव में, कभी किसी शहर में ऐसा हुआ करता था। हम लोगों ने तय कर लिया कि ये सरकारी कार्यक्रम पूरे जोर शोर से होगा और ऐसे जोर जोर से होगा जिससे हमारा ये इतिहास जो है, क्योंकि बहुत गौरवमय इतिहास, ये गौरवमय इतिहास हर एक के जहन में पहुंचाने का काम सरकार करेगी, ताकि उसको याद रहेगा कि ऐसे भी हमारे सपूत थे जिन्होंने हमारे पूरे देश का नाम दुनिया के अंदर रोशन किया है। आज उनको अपन याद कर रहे हैं। मैं खाली दो चीज के ऊपर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी। उन्होंने कहा था, शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है जो जीवन की सारी कठिनाइयों का निवारण कर देता है। आज आपने देखा ये 12 जन आपके सामने से निकल के गए, और मुझे मालूम है कि जिन जिन को हम अब छात्रवृत्ति देके विलायत भेज रहे हैं, 6 बच्चों को अपन ने भेजा, 5 बच्चों को और भेज रहे हैं, ऐसे लोगों को जिनको मौका हम दे रहे हैं, जो अब बाहर जा सकेंगे, जो पढ़ सकेंगे, जो मेधावी छात्र बन के यहां से निकलेंगे, वो धीरे 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 इस सपने को पूरा करने का काम करेंगे। मुझे आज बहुत गर्व है कि एक छोटी सी शुरुआत को अपन धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आगे ले जाएंगे। उन्होंने एक और चीज कही थी, जो बढ़ना चाहता है उसे लड़ना होगा। ये तो हमें मालूम है, लड़ाई में हम लोग कोई कमजोर है नहीं, हम सब जानते हैं कि अगर हमें बढ़ना है तो हमें लड़ना है, और अगर हमें लड़ना है तो बिना पढ़े क्या लड़ोगे, जब अपने को मालूम ही नहीं है अपन किस रास्ते से जा रहे हैं। तो उन्होंने चला के ये कहा कि भले ही तुमको बढ़ना है तो लड़ो, परंतु अगर लड़ना चाहते हो तो मेहरबानी करके पढ़ो, क्योंकि जब पढ़ोगे तब सशक्त हो जाओगे और तब आपको मालूम पड़ेगा कि रास्ता क्या है और उस रास्ते के ऊपर हम किस तरीके से अपने पूरे परिवार को, अपने पूरे प्रदेश को, अपने पूरे देश को किस तरीके से अपन उस रास्ते पर ले जा सकते हैं। या कोई नहीं है हम में जो इस चीज को अपने जहन में लेके अपने जीवन के अंदर लाने की कोशिश नहीं कर सकता है। अब अभी आपने अध्यक्ष महोदय मेरे को सुझाव दिया कि भाई इसके बारे में अपने को कुछ करना चाहिए, कोई एक्सपर्ट्स को अपने को बुला के करना चाहिए। मैं मानती हूं जब ये जमीन ली थी तो मुझे याद है कि जब मैं सबको यहां इकट्ठा करके लाई तो सब लोगों ने जमीन को देखा और कहा, रे साहब कहां जंगल में ले आए हमको। आज धीरे धीरे आपको दिखाई दे रहा है एक बिल्डिंग खड़ी हो गई है, आप देख रहे हो कि कितनी सुंदर जमीन है, और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हम लोग इसकी प्लानिंग करके अभी 2 हॉस्टल अभी खड़े होने वाले हैं, एक आपके बॉयज हॉस्टल, एक और के गर्ल्स हॉस्टल, वो दोनों हॉस्टल आपके खड़े हो जाएंगे। परंतु हम कहीं हॉस्टल कहीं बिल्डिंग ऐसे नहीं, इसकी पूरी प्लानिंग करेंगे ताकि बाहर से लोग आ सकेंगे, शोध कर सकेंगे, और जब शोध करके जाएंगे तो कहेंगे कि एक ब्रिलियंट आदमी था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, एक ऐसे ब्रिलियंट आदमी थे
जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर ही अपना नाम नहीं कमाया परंतु जाके विदेश के अंदर नाम कमाया। और आपको मालूम है कोलंबिया यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें बहुत मुश्किल से लोग एंट्री पा सकते हैं, बहुत पढ़ना पड़ता है ऐसी जगह में पहुंचने को। आज उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सामने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्टैचू लगा हुआ है, ये ऐसे वैसे नहीं लगा है। और इसीलिए बनाओगे तो ताली जोरदार बजाओ।